हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि पथरी के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं कि जिन कारणों से पथरी हो जाती है। आइए जानते हैं, पथरी की बीमारी होने के कई कारण हो सकते हैं। पथरी की समस्या सबसे अधिक डाइट की वजह से होती है। हालांकि पानी कम मात्रा में पीना भी पथरी की बीमारी का एक मुख्य कारण माना जाता है। अगर डाइट में आप बीज वाली चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं तो पथरी की बीमारी आपको हो सकती है। पथरी की समस्या से जूझने वालों को डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए और उन्हें अपने खाने में शामिल करने वाली चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी परेशानियों में बीज वाली चीजें जैसे टमाटर, अमरूद, बैंगन, अनार खाने से हमेशा परहेज करना चाहिए। पथरी की समस्याओं के लिए पानी सबसे मुख्य कारण होता है। अगर आप कम पानी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में पथरी की समस्या निकट भविष्य में हो सकती है। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं और दिन भर काम करते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, कई कई घंटों तक आप पानी नहीं पीते, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। आप अपने पास एक बोतल रखिए और समय समय पर पानी पीते रहिए ताकि निकट भविष्य में आपको पथरी की समस्या ना हो पाए। पानी के सेवन करने से यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। फिर इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर चेकअप करा लें और उसके अनुसार ही आप दवाइयों का सेवन करें। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 5 mm की पथरी अगर आपके शरीर में है तो उसे केवल सर्जरी से ही निकाला जा सकता है, लेकिन अगर इससे छोटी पथरी आपके शरीर में है तो इससे निजात पाने के लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं। साथ ही पानी की मात्रा अधिक ले लें जिससे कि पथरी जल्द से जल्द निकले। पथरी की समस्या किडनी, पित्त की थैली और यूरिन पाइप में हो सकता है। इस बीमारी में काफी दर्द होता है। हालांकि पथरी कहां पर दर्द है उस पर निर्भर करता है। उसका पता आप अल्ट्रासाउंड के जरिए पता कर सकते हैं कि आपको पथरी किस जगह पर हुई है। तो दोस्तों, और पथरी में आप खट्टी चीजों का सेवन ज्यादा करें, जैसे कि नींबू का रस। यह पथरी को जल्द ठीक करने में एक कारगर घरेलू उपाय होता है। लेकिन आप यह सब उपाय अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि हम इसमें आयुर्वेदिक उपाय और आयुर्वेदिक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगी। धन्यवाद।